लोग रिव्यू करेंगे प्राचीन भारत एंशियंट हिस्ट्री बीए पार्ट वन का बुक का रिव्यू करेंगे, जो कि रमेश चंद्र मजुमदार द्वारा लिखा गया है। जितने भी छात्र ऑनर्स के हों हिस्ट्री में या फिर हों सब्सिडरी के, उनके लिए यह बुक काफ़ी उपयोगी है। ध्यान देंगे विषय सूची पे तो एंशियंट हिस्ट्री, आजकल तो ये ऑनर्स प्रतिष्ठा का एक विषय ही हो गया है, जो ग्रेजुएशन में लिया जाता है। वैसे छात्र इसी बुक से लिखेंगे तब ही को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। एक होता है हिस्ट्री, एक होता है एंशियंट हिस्ट्री। पार्ट वन में अगर आपका एंशियंट हिस्ट्री है तो इसी बुक का उपयोग करेंगे। देखिए ईसवी सन दिया हुआ है, सब सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद पूरे अच्छे तरीके से, फिर मौर्य साम्राज्य, प्रथम मगध साम्राज्य, राजनीतिक सिद्धांत और शासन संगठन, धार्मिक आंदोलन, फिर महाकाव्य और हिंदू समाज, इस तरह से गुप्त साम्राज्य का पूर्ण जीवन काल यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप खरीद सकते हैं इस पुस्तक को। राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर, प्रतिहार, इस तरह से सुल्तान महमूद, ये सारे चीज़ आप दक्षिण भारत, ये सब आप पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, देख लीजिए टोटल यहाँ पर 21वीं 22 अध्याय है, 21-22, और काफ़ी अच्छे से यहाँ पर बुक में अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है पूरे शासन काल को, एंशियंट युग को। तो आप इस बुक को खरीदिए और पढ़िए ध्यान से। चामान, चौकुल्य, सभी चीज़ यहाँ, गुफाएँ, स्तंभ सब दिए हुए हैं, धन और वैभव, ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। कला, संस्कृति, सभी चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से दिए गए हैं। कल, चूरी, कामरूप, फिर कृष्ण द्वितीय, कृष्ण तृतीय, दक्षिण में सम राज्यों का उत्थान और पतन, राष्ट्रकूट, देखिए। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छा है, पर एंशियंट हिस्ट्री के छात्र हैं या प्राचीन इतिहास आप पढ़ना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा बुक है। प्राचीन भारत का इतिहास काफ़ी अच्छा है, 145 रुपये उस समय की कीमत था, अभी 250 के रेंज में आपको इजीली मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा लगा बुक रिव्यू ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रिव्यू का इंतज़ार करिए, जल्द ही मिलेंगे।